एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों ने बड़ा हमला कर दिया है, जिसके बाद हालात बिगड़ गए हैं। दमिश्क की सिदानिया जेल में विद्रोहियों ने धावा बोल दिया है, जहां बड़ी संख्या में बशर असद के विरोधी कैद हैं। इसके अलावा विद्रोहियों ने बशर असद की सेना के टैंकों पर भी कब्जा कर लिया है और उन्हें राष्ट्रपति भवन की ओर ले गए हैं। तो वहीं ये दावा किया जा रहा है कि असद सरकार का परिवार देश छोड़कर रूस चला गया है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के हालात पर कहा कि अमेरिका को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और उसे सीरिया से दूर रहना चाहिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों ने बड़ा हमला कर दिया है, जिसके बाद हालात बिगड़ गए हैं। दमिश्क की सिदानिया जेल में विद्रोहियों ने धावा बोल दिया है, जहां बड़ी संख्या में बशर असद के विरोधी कैद हैं। इसके अलावा विद्रोहियों ने बशर असद की सेना के टैंकों पर भी कब्जा कर लिया है और उन्हें राष्ट्रपति भवन की ओर ले गए हैं। तो वहीं ये दावा किया जा रहा है कि असद सरकार का परिवार देश छोड़कर रूस चला गया है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के हालात पर कहा कि अमेरिका को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और उसे सीरिया से दूर रहना चाहिए।